ओके बेटा, तो अभी हमारे पास जो तीसरा ऑपरेटर है वो है परसेंट ऑपरेटर। अब परसेंट ऑपरेटर का अगर आप यूज करते हो इन वेब डेवलपमेंट और आपकी मोबाइल डेवलपमेंट या आपके डेस्कटॉप डेवलपमेंट के अंदर, तो हमारा मेजॉरिटी काम चार्ट्स वगैरह के ऊपर होता है। सही है, चार्ट डॉट जेएस के नाम से अगर आप एडमिन पैनल पे काम करते हैं तो वहां पे कुछ नंबर ऑफ चार्ट्स मिलते हैं लाइक दिस। तो इसके अंदर आपने देखा होगा हमें परसेंटेज के अंदर वैल्यूज दिखानी पड़ती है। ये देखिए, सही है कि फॉर एग्जांपल कितनी एज से कितनी एज तक संभल ले के आपके पास यहां पे लोग हैं। यहां पे देखिए बता रहा है टास्क कितने परसेंट पड़े हैं, 50% जो है वो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से कल को ये हो सकता है कि आप में से, अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपटीशन करवाता हूं, यहां पे एक वेबसाइट बना देता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि भाई यहां पे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अब टोटल बच्चे हैं फॉर एग्जांपल 5000 जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहां पे तीन कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है किसकी, वेब डिजाइनिंग की, एक है वेब डेवलपमेंट की, एक है मोबाइल डेवलपमेंट की। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मेरे पास सपोज 1000 या 5000 बच्चे हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि कितने परसेंट बच्चे वेब डिजाइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे वेब डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने परसेंट बच्चे मोबाइल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसके हिसाब से हमें क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। या हमारे पास आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि हमारे पास होता है कि आपके कितने चैनल पे जो विजिटर हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या उनका जेंडर कितना परसेंट जो है मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। सही है, या कितने परसेंट हमारे विजिटर्स की एज इतनी है और कितने परसेंट विजिटर्स की एज इतनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब आप एनालिटिक्स में जाते हैं तो यूट्यूब आपको बता रहा होता है ना कि किस समले चैनल पे कितने कितनी परसेंटेजेस में आपकी नंबर ऑफ जो है वो रिकॉर्ड्स आपको विजिट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो परसेंट का ऑपरेटर आपका तब यूज होता है जब आप इस तरह की वेबसाइट्स के अंदर आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अकॉर्डिंग टू परसेंट फेच करवाते हैं या सिलेक्ट करवाते हैं। कौन सा क्लियर हो गया? चले जी, अब इसको ट्राई करते हैं। परसेंट ऑपरेटर का सिंपल सा यूज है, देखें आप लिखते हो सिलेक्ट टॉप, फिर आपने बताना है कितनी वैल्यू, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 है ना, फिर आपने बताया कि परसेंट परसेंट ऑपरेटर है, फिर स्टेरिक देना लाजमी है, फिर टेबल का नाम है। सिंपल सी क्यूरी है। मैं इसको सेंटेक्स को लेके चलता हूं, मेरे पास अभी 8 रिकॉर्ड है, टोटल रिकॉर्ड कितने बेटा 8। अब 8 रिकॉर्ड समझ ले 100% 8 रिकॉर्ड का क्या है, वॉट एवर जो भी है। अब इसमें से अगर मैं चाहता हूं टॉप 50% रिकॉर्ड उठाओ किस टेबल से, टेबल का नाम है स्टूडेंट इन्फो। तो एक सिंपल सी बात है, आप मुझे बता दो 8 रिकॉर्ड का 50% यानी 4 रिकॉर्ड आएंगे ना टोटल। कौन सा क्लियर हो गया? तो उनमें से आपकी वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, देखें तो उसने 4 रिकॉर्ड उठा लिए। कौन सा क्लियर हो गया? अब आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि वेयर, कौन सा क्लियर, वेयर एज जो स्टूडेंट्स की एज है ग्रेटर देन और इक्वल टू है 20। अब एज का कॉलम यहां पे है ना बेटा, कि मैं कहता हूं आप उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को उठाओ जिनकी एज 20 से अबव है। अब अगर मैं टॉप 50% नहीं देता, टॉप 50% नहीं देता तो टोटल रिकॉर्ड कितने आते हैं जिनकी एज बराबर है या बड़ी है किससे, 20 से। टोटल ही स्टूडेंट्स की एज कितनी है, 20 से अबव है। ऐसे ही है ना, एक रिकॉर्ड को छोड़ के। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? टोटल रिकॉर्ड बेटा 7 है, श्योर है यहां पे है ना, एक स्टूडेंट की एज क्या थी, 19 थी। तो हमारे टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 7 फेच हो रहे हैं अभी। चले मैं कहता हूं 20 से बड़ी हो, 20 वाले बच्चे भी नहीं चाहिए, जिनकी एज 20 है वो भी नहीं चाहिए। तो यहां पे देखें टोटल कितने आ रहे हैं, 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना बेटा। अब इन 5 में से भी मुझे परसेंट उठाना है, और कितना परसेंट, सपोज मुझे 20% उठाना है, 30% उठाना है, 80% उठाना है। कौन सा क्लियर हो गया? तो मैं क्या रखूंगा, टॉप 20% उठाओ उन स्टूडेंट में से जिनकी एज कितनी बड़ी है, ग्रेटर देन 20 है। कॉन्सेप्ट
कौन सा क्लियर है? तो टोटल बच्चों में से जिनकी एज 20 से बड़ी है उसका कितना परसेंट ये बता रहा है आपको? 20%। मैं सिलेक्ट करता हूं, आपको क्या बताएगा? देखिए 20% में एक बच्चा आता है। भाई पांच रिकॉर्ड आ रहे थे ना बेटा, पांच रिकॉर्ड यानी एक बच्चे या एक रिकॉर्ड के लिए 20% होंगे, है ना। फाइव की अगर आप बताओ तो 100% कैसे बनेगी? 20-20% असाइन होगी ना, तो 20 बताओगे तो एक ही बच्चा आएगा, 40 बताओगे तो दो बच्चे आएंगे, यानी दो रिकॉर्ड आएंगे। सिंपल सी बात आ रहे हैं, लेकिन कौन से? जिनकी एज 20 से अबव। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आप इसके साथ कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो कंडीशन के अलावा भी उठा सकते हैं। अब अगर आप कंडीशन नहीं लगा रहे, इसका मकसद वो आठ रिकॉर्ड में से 40% उठाएगा। टोटल आठ रिकॉर्ड है ना, जिनमें से कितने परसेंट उठाएगा? 40% बच्चे उठाएगा और यहां पे आपको शो कर देगा। लेकिन मैं अभी पूछ रहा था एज वाइज, तो देखें कौन सा क्लियर हो गया बेटा। इस तरह से आप स्पेसिफिक बच्चों की फेचिंग करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। आई होप ये क्लियर हो गया।